तो एक्टिंग का जो एलिमेंट है, अब देखिए अमिताभ बच्चन जी पर फिल्माया गया है, तो ये अमिताभ बच्चन जी क्यों कर पा रहे एक्टिंग? क्योंकि पीछे अभिनय का अंग किशोरदा ने डाला है। ये आजकल के गाने नहीं है जो रिमिक्स करके, छेड़छाड़ करके, रैप डाल के, सत्यानाश करके, मैं बोलूँगा आप कैसे भी तोड़ मरोड़ दो, इन गानों को आपको एज इट इज़ ही गाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज आपके समक्ष बप्पी लहरी साहब की याद में ऑन हिज फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी एज ऑन 15th of Feb 2023 वॉइस कल्चर ऑफ किशोरदा इन बप्पी लहरी जी सॉन्ग, कंठ संस्कार का आज हम डिस्कशन करेंगे। 5 अनमोल नगमे जिसमें किशोरदा जी का योगदान तो है ही, लेकिन उसके पीछे जो रचनाएं हैं वो हमारी बप्पी लहरी जी की हैं। और हम सब जानते हैं किशोरदा और बप्पी लहरी जी का ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ है जो आज भी हम याद करते हैं, गुनगुनाते हैं। जो 5 गाने हैं वो मैं आज आपके समक्ष डिस्कस करूंगा, उसमें क्या क्या स्पेशलिटी है सॉन्ग्स में, कंठ संस्कार से रिलेटेड क्या राग है उसमें, और क्या चीज़ है वो जिससे ये गाने यादगार बने हैं। देखिए, इससे पहले मल्टीपल राग बेस्ड सॉन्ग मैंने बप्पी लहरी जी के बताए, लेक्चर 268 भी जरूर देखना मेरा, राग आभोगी बेस्ड सॉन्ग बप्पी लहरी जी का जिसमें मैंने आपको बताया था उनके 70वें जन्मदिन पर, दैट इज़ ऑन 27th of November 2022 मैंने देखिए उनके राग बेस्ड सॉन्ग्स भी बताए थे, ये भी आप ज़रूर देखना। जिनजोटी बेस्ड सॉन्ग्स पर भी मैंने चर्चा की है, तो इन लेक्चर से आपका और ज्ञानवर्धन होगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं सीधा, आपको मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही रचनाएँ बताऊँगा क्योंकि किशोरदा भी नहीं है और बप्पीदा भी नहीं है आज हमारे साथ। तो स्टार्ट करूंगा मैं चलते चलते से, जी हां, टाइटल ट्रैक चलते चलते, मेरे ये गीत याद रखना। इसमें कंठ संस्कार की जब भी बात करते हैं तो बात करते हैं हम संगीत उपयोगी आवाज की। बहुत सारे लेक्चर्स मेरे आप देखते हैं वॉइस कल्चर पर, तो आज किशोरदा का कौन सा पहलू जो बप्पीदा ने यूज किया इस गाने में, तो आप देखिए सॉफ्टनेस इन वॉइस। किशोरदा की आवाज़ हम जानते हैं, अगर आप पल पल दिल के पास सुनिए या फिर आप कभी बेकसी ने मारा सुनिए, उसमें आवाज़ का भारीपन हमें मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स में दिखता है। लेकिन ऐसे भी गाने गाए हैं किशोरदा ने जिनमें उनकी आवाज़ की एक मुलायमता, सॉफ्टनेस, एक सूदिंग इफेक्ट भी हमें सुनने को मिलता है। तो चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अब राग की बात करो तो ये राग मिश्र पीलू में आता है दोस्तों। नि सा ग म ग रे सा नी प द म प द नि सा सा ग, है ना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। दूसरी पहलू जो मैं बताऊं आपको, बहुत ही प्रिसाइस गाया किशोरदा ने, ये हमारे ट्रेडिशन बन चुके हैं दोस्तों पुराने गाने, इससे हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसा किशोरदा ने गाया वैसा ही अगर आप उसके आसपास भी निभा लेते हैं तो आपकी विजय है इन गानों में। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। देखिए बप्पीदा की रचनाओं की कुछ मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ आपको। आपको ये जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये लिखित रूप में PDF में आपको मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। कौन सी बात है, आप 10 गाने उठाइए बप्पीदा के, फर्ज कीजिए किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, या फिर प्यार मांगा, या फिर यही गीत, सारे गाने आप देखिए माइनर में मिलेंगे। 10 गाने उठाओगे आप, 9 गाने आपको माइनर में, मतलब सारे गा, मतलब गानों में गंधार कोमल मिलेगा आपको। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बप्पीदा की रचनाओं की। दूसरी बात, माइनर से मेजर में जाता है गाना। अब जैसे इसी गाने की बात कीजिए, रोते, अब ये गा शुद्ध हो गया, पहले चलते
चलते माइनर था, मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अब रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना। माइनर आ गया, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अब देखो हारमोनिक्स बहुत अच्छी हो सकती है पपीता की गानों में। अब एक तो ये मेरी मेन मेलोडी चल रही है, हारमोनिक मीन्स अगर सा मैं गा को मान लूं। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। और मेन मेलोडी अगर गाऊं, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट अब आप देखो, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तो आपने देखा, तो ये रचनाओं में हारमोनिक्स का जो इम्पैक्ट है वो पपीदा की रचनाओं में हम देख सकते हैं। उसके साथ साथ कैरवा के पैटर्न्स, अलग अलग पैटर्न्स पपीदा ने ज़्यादातर गानों में यूज़ किए हैं। और मैंने आपको बताया माइनर से मेजर में जाती है, माइनर में रचनाएं ज़्यादा हैं। स्वरों पे न्यास कैसे, अब ये 76 की रचना थी, हमारे अमित खन्ना जी की शब्द रचना थी। अब 76 से आपको सीधा लेके चलता हूँ, इसी से ही मैच करता हुआ गाना 78 में कॉलेज गर्ल मूवी आई थी आप जानते हैं, जिसमें शिव कुमार सरोज जी की लिरिक्स थी इस गाने में। वैसे तो उनके साथ साथ देखिए देव कोहली जी का भी नाम जुड़ता है। प्यार मांगा है तुम्ही से ना इनकार करो। देखो आप, अब इसमें कौन सा कंठ संस्कार की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं रिलेट करूँगा माइनर से मेजर की जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, लेकिन कंठ संस्कार का जिक्र कर रहा हूँ, मेरा लेक्चर ही आज इस पे है। तो आप देखिए किशोरदा ने प्यार शब्द किस प्रकार का है, उसमें एक्सप्रेशन सुनिएगा। प्यार मांगा है तुम्ही से ना इनकार करो। और विब्राटो, इसका जो विब्राटो है इस गाने में, छोटी छोटी बातें हम मिस कर देते हैं, गाने को सीधा परफॉर्म करने के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन ये बारीकियां अगर नोट करेंगे तो गाना ज़्यादा असरदार बनेगा, आपको और आशीर्वाद मिलेगा। प्यार मांगा है तुम्ही से ना इनकार करो। अब माइनर से मेजर, पास बैठो जराज तो इकरार करो। सो गा 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 पमा गमा रे मामा गरे गे सरे सा, माइनर में आ गई। प्यार मांगा है तुम्ही से ना इनकार करो। तो विब्राटो और प्यार शब्द हमें प्यार करना सिखाता है। अभी 14th February गया है, वैलेंटाइन डे, तो ऐसे गाने अगर हम सुनते हैं, रियाज करते हैं और इसको प्रेजेंट करते हैं तो वो ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट छोड़ता है ना। 15th February को अनफॉर्चुनेटली पपीदा हमें 2022 में छोड़ के गए, और इससे एक दिन पहले ही वैलेंटाइन डे आता है, तो क्यों ना हम ऐसे गाने तैयार करें और पपीदा को याद करें, है ना दोस्तों। तो ये सेकंड गीत था, और अगर आप राग पूछें मेरे से तो ये भी देखिए राग मिश्र पीलू है, दोनों गंधार का यूज़ हुआ है, और हल्की सी देखिए सारे गाम गरे सा सारे गामा नी नी सारे गरे सा नी सा, ये मिश्र पीलू का असर हमें इसमें भी देखने को मिलता है, ठीक है। ताल कैरवा ही चल रही है, तो इन दोनों गानों का मेडले भी बन सकता है। कैसे बन सकता है अभी सुनना, जैसे अगर मैं इसको कैरवा पर गाना चाहूँ। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार मांगा है तुम्ही से
ना इनकार करो। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। पास बैठो जरा आज तो इकरार करो, प्यार मांगा है तुम्हीं से ना इनकार करो। समझ रहे हैं दोस्तों, तो कैसे घुल मिल गए ये गाने। असर मिश्र पीलू का और मनोवृत्ति बप्पी दा की माइनर से मेजर में जाने की, तो ये कारण है जिससे ये मेडले आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप नाउ यू विल बी अ नॉलेजेबल सिंगर वाइल सिंगिंग दिस सॉन्ग के हाँ, सॉन्ग माइनर में है, मेजर में भी जाता है, मिश्र पीलू का असर है, कैरवा का ठेका प्रयोग हुआ है, इससे आप इस गानों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं बप्पी दा की याद में। नमक हलाल मूवी एक आई थी, अब इस मूवी में देखिए अनजान जी की लिरिक्स थी, है ना। वैसे तो प्रकाश मेहरा जी ने भी इस मूवी में काम किया है, लेकिन कौन से गीत की बात कर रहा हूँ, दरबारी कानड़ा का प्रयोग। वैसे तो देखिए कभी बेकसी ने मारा, ये अगर आपको दरबारी का ज़्यादा शुद्ध रूप देखना है तो ये गाना आप तैयार कीजिए, कभी बेकसी ने मारा, आर डी बर्मन जी का संगीत है, लेकिन बप्पी दा ने सुगमता से दरबारी का कैसे प्रयोग किया है। बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है, जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए, और मिला ली है ताल से ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया, ये जहां देख कर अपनी चाल। धन्यवाद। तो दोस्तों ये मैं क्यों गाया आलाप, देखिए इसमें कौन सा कंठ संस्कार हमें देखने को मिलता है कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स। किशोरदा की खासियत क्या थी, एक तो लिरिक्स को ऐसे बोलते थे जैसे क्रिस्टल क्लियर मैग्नीफाइंग ग्लास में हम लिरिक्स पढ़ रहे हो, ऐसे शब्द सुनाई देते थे हमें। अब बुजुर्गों ने अब बुजुर्ग ये चीज सुनना आप, बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ, और इसमें एक्सप्रेशंस डालें, फिर ये जमाना तुम्हारा है। तो एक्टिंग का जो एलिमेंट है, अब देखिए अमिताभ बच्चन जी पर फिल्माया गया है, तो ये अमिताभ बच्चन जी क्यों कर पा रहे हैं एक्टिंग, क्योंकि पीछे अभिनय का अंग किशोरदा ने डाला है। जमाने के सुरताल के साथ अब साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। फिर अरे लो भैया फिर हम अपने पैरों पे खड़े हो गए, ये देख रहे हैं आप ऑर्नामेंट भी है, और मिला ली है ताल से ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया, ये अभिनय का अंग, ये नोट करने वाला। और फिर देखिए दरबारी का स्वरूप, के पग गोंगरू, अब देखो ससा नी रे सा द नी रे सा द नी सा, राग अपना काम कर रही है, किशोरदा अपना काम करके गए। और ये जीनियसनेस ऑफ अप्पी लहरी जी आप कंपोजिशन में देखिए, वो तीर भला किस काम का है, जो
तीर निशाने से चूके 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 हाँ अभी हाँ के पग गोंगरू। अब देखिए वैसे इसका कंप्लीट एनालिसिस मेरे इस लेक्चर में आप जरूर देख लेना, इसमें मैंने डिटेल में बताया, लेकिन आई होप आपको वॉइस कल्चर का एलिमेंट समझ आया। एक तो प्रोनंसिएशन की बात की मैंने, और अभिनय का अंग अलाप में बताया, और कनेक्टिविटी ऑफ द नोट्स कैसे। और हम नाचे बिन घुंघरू के, अब इसमें कनेक्टिविटी आप देखिए स्वरों की। और हम नाचे बिन घुंघरू के तो सागा पा 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 धपा धमा पा गमा रे गसा रे सा 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 नी रे सा धनी रे सा नी धनी सा। तो ये वॉइस कल्चर का एलिमेंट मैंने आपको बताया, तीन पहलू इस गाने में किशोरदा की आवाज़ में बप्पी दा ने कैसे प्रयोग किए। फिर देखिए 82 से अब आपको मैं लेके चलता हूँ, 84 में मूवी आई थी दोस्तों शराबी, और ये भी अमिताभ बच्चन जी पर ही फिल्माया गया गीत है। मैं आपको बता रहा हूँ इस गीत में पैथोस, तो आवाज़ में एक सोज गम का पहलू कैसे किशोरदा की आवाज़ में यूज़ किया गया है। मंजिलों पे आके लुटते, राग मियां की तोड़ी का असर है। है दिलों के कारवां, अब ये कारवां कैसे का है, कारवां सो मंजिलों पे आके लुटते। अब निधा निधा ते है दिलों के कारवां, तोड़ी का असर निसा दा दागा रे सा निसा दा निसा है ना। कश्तियाँ साहिल पे अक्सर डूबती है प्यार की, तो आप इसमें मींड का प्रयोग देखिए और थोड़ी से भैरवी का शिफ्ट। कश्तियाँ साहिल ये माँ पे न्यास शुद्ध हो गया क्योंकि मध्यम, लेकिन वापस भैरवी से तोड़ी जो कि बप्पी दा की रचनाओं में दिखता है, ये मिश्र रागों का काफ़ी प्रयोग करते हैं। आपको बप्पी दा की आप 95% रचनाएं देखिए, एक शुद्ध राग आपको मिलेगी नहीं। हैविंग रिगार्ड टू दर्द की रागिनी आभोगी पर उन्होंने बनाया, एक आध गाने उन्होंने शुद्ध राग में भी बनाए, लेकिन ज़्यादातर मिश्र राग में। अब ये भैरवी से तोड़ी डूबती है प्यार की, अब जो मैं वॉइस कल्चर की बात कर रहा हूँ आवाज में दर्द, जब कदम ही साथ ना दे दिल भला फिर क्या करे। तीन स्वरों का प्रयोग इंटरलूड में, सारे प सारे सा प सा सारे प सारे सा प सा, यूं तो है हम दर्द भी और हम सफर भी है मेरा, पढ़ के कोई साथ ना दे दिल भला फिर क्या करे। सारे पसारे सपसा सारे पसारे सपसा, अब मा 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 धामा धामा गगरेगा गरे गरे सानी, तो भैरवी से तोड़ी और फिर वापस भैरवी में। मंजिले अपनी जगह है रास्ते अपनी जगह, चौथा गीत था 1984 शराबी। अगर आप लिरिसिस्ट की बात करें तो ये प्रकाश मेहरा जी ने लिखा है, ठीक है दोस्तों। फिर 1984 से मैं अब आपको लेके चलता हूँ 85 में, मूवी आई थी साहिब, अनिल कपूर जी पर फिल्माया गया ये गीत। तो साहिब में हमारे बप्पी लहरी जी का संगीत था और किशोरदा की आवाज़ क्या प्रयोग की है देखिए इस गीत में। ये बेसिकली देखिए
एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल दैट बप्पी लहिरी यूज्ड माइनर रागस, माइनर थाट इन इस कंपोजिशन, इसमें मेजर है। क्या मतलब? राग झिंझोटी का प्रयोग है। वैसे तो मिश्रित रूप में झिंझोटी हमें दिखती है, लेकिन शक्ल तो जरूर दिखती है झिंझोटी की। तो इसमें किशोरदा का क्या पहलू मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, आवाज़ में एक, इसमें भी देखिए आपको एक पैथोस की फीलिंग मिलेगी जब आप ये गाना सुनेंगे। क्या खबर क्या पता, अब क्या कैसे क्या है, जैसे क्या ही पता हो। क्या पता क्या खुशी है गम है क्या। सो क्या खबर क्या पता, क्या खुशी है गम है क्या। नी नी सा गरे रे निधा पसा गरे गरे सा सा। तो अब देखिए झिंझोटी का असर है कि नहीं, और कंट्रोल्ड वे में किशोरदा ने इसको गाया। तो वॉइस कंट्रोल का जो एलिमेंट है जिसमें आवाज को देखिए दबा कर गाया किशोरदा ने। लेके आंसू जो हंसी दे, गम के बदले जो खुशी दे, राज ये जाना उसी ने। ये देख रहे हैं आप जो मैं बता रहा हूँ, झिंझोटी को जो जस्टिफाई करने के लिए जो किशोरदा ने आवाज़ यूज़ की है। ने जिंदगी क्या है जिंदगी, अब नी धनी प, ये झिंझोटी का अंग है। नी धनी प धनी धनी सारे प मगा। तो जिंदगी क्या है जिंदगी, क्या खबर क्या पता, क्या खुशी है गम है क्या। ये पांचवा गीत था साहिब मूवी 1985, अनजान जी की लिरिक्स थी। तो देखिए सार क्या निकला, तो किशोरदा की आवाज़ में जो पैथोस था वो देखने को मिला। प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स विद प्रिसाइसनेस, जो एक दुख वाली फीलिंग है वो किशोरदा की यूज़ की बप्पीदा ने अपनी कंपोजिशंस में। माइनर का मैंने जिक्र किया, मिश्रित रागों का मैंने आपको बताया। 90% सॉन्ग्स क्यों माइनर में आते हैं, उसमें आप देख लीजिए, आप पांच गानों में से चार गाने माइनर में थे, जिसमें मिश्र पीलू, मिश्र भैरवी और दरबारी का प्रयोग पग पग घुंघरू में हमने देखा। मिश्र पीलू में मैंने पहले के दो गीत बताए, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना और प्यार मांगा है तुम्ही से कॉलेज गर्ल 1978। तो आई होप बप्पीदा की ये पांच नगमे आपको अच्छे से समझ आएँ कि क्यों ये आज हिट हैं और किस प्रकार किशोरदा की आवाज़ का यूज़ किया गया। हमारे रेट्रो सॉन्ग्स में देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसमें इसी प्रकार के मैं गीत सुनाता हूँ। और खुशखबरी ये है दोस्तों कि ये सॉन्ग्स का एक अलग से बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे यूके, यूएसए, कनाडा और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उसमें बॉलीवुड सॉन्ग्स तो सिखाऊंगा ही, लेकिन हमारे हिंदुस्तान संगीत की जो खुशबू है वो भी मैं शेयर करूँगा। अलग अलग टेक्निक सिखाऊंगा, मुरकी, गमक, कर्ण स्वर का किस प्रकार रियाज करें, कैसे वोकल रेंज इम्प्रूव करें। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं नया बैच शायद ही स्टार्ट करूँ, तो एकदम फ्रेश बैच है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। बाकी अलग अलग मेरे बैचेस की इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही है। राग बेस्ड बैच भी चल रहे हैं, रेट्रो बेस्ड बॉलीवुड सॉन्ग्स भी चल रहे हैं, रियाज का एक बैच चल रहा है। अगर आपका एम है कि सिर्फ मुझे रियाज करना है, अपने वॉइस में फ्लेक्सिबिलिटी लानी, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी संगीतमय सेवा में ऐसे ही आता रहूंगा, बप्पीदा किशोरदा को सैल्यूट करते हुए। थैंक यू सो मच, ओम शांति।